जनपद स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि गण GGIC बनभूलपुरा की प्रधानाचार्य खंड शिक्षा अधिकारी नगर निगम के अध्यक्ष चेयरमैन साहब DO माध्यमिक गौतम जी उड़ा के भट जी मतलब बड़ा हो जाए लेके जाए दुनिया में बदलाव लेके आए, लेकिन बदलाव कभी हो सकता है स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है एनर्जी की, उनके प्रोत्साहन के लिए बात हो रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी की है रिन्यूएबल सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी की, उनके बारे में स्कूलों में बात हो। Thank you.
बताओ, ऊर्जा के परंपरागत सोर्स है और वैकल्पिक सोर्स क्या है आप बताएं। वैकल्पिक मीन्स अल्टरनेटिव, इसके अलावा क्या है? डीजल पवन ऊर्जा, वैसे डीजल सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है? डीजल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि गैर परंपरागत सोर्स, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा संरक्षण केवल केवल एक ही, उसका एक ही है कि केवल एक सूक्ति है कि ऊर्जा की खपत कम से कम आप करें, वही ऊर्जा संरक्षण है। तो इंटरनेशनल सेमिनार था, तो एक हमारे साथ है हरिंद्र रुबाली, जो कि जीआईसी पतलोट से सुदूरवर्ती विद्यालय जनपद का है, वहां से आए हैं इस ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। मैं यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में ऊर्जा संरक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ पे अपने विचार रखे और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लोग मेरे विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे होंगे और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा और अनेक लोगों के विचार सुने मैंने भी और मैं उन्हें अपने विद्यालय में भी व्यक्त करना चाहूँगा ताकि उन्हें हम जानकर अब ऊर्जा को बचाने के लिए प्रयास करें, निरंतर प्रयत्नशील रहें और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश के ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान रहेगा। और यहाँ से मैंने अन्य कई चीज़ें सीखी जिनको हम जानते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति हमारे कौन से संसाधनों से, प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक या अन्य किसी संसाधनों से कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है और कई अन्य चीज़ सीखें। तो संपर्क में रहना पड़ेगा,
जो हमारी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रतियोगिता हुई थी उस कार्यक्रम का आयोजन भी 20 तारीख को देहरादून में आयोजित हो रहा है प्रदेश स्तर पर। तो इसलिए आप लोग सब संपर्क में रहेंगे, बहुत अच्छे आप लोग वहां जब कार्यक्रम देखेंगे निश्चित रूप से लगेगा कि आपको कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बच्चों को यहां के बच्चों के जो नैनीताल जनपद के हैं उनको प्रथम स्थान प्राप्त हो, नैनीताल जनपद का सौभाग्य बढ़े, इसमें हमारे सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए।